सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को शहाबुद्दीन को तिहाड़ शिफ्ट करने के लिए दिए गए आदेश के बाद पिछले चार दिनों से शिफ्टिंग पर चल रहा संशय शुक्रवार शनिवार की रात करीब 2:45 बजे समाप्त हो गया। शहाबुद्दीन को तिहाड़ के लिए सिवान मंडल कारा से सड़क मार्ग से पटना के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच भेज दिया गया। पटना से आई एसटीएफ की टीम को शहाबुद्दीन को पटना सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के साथ जिला पुलिस की 8 गाड़ियों का काफिला भी था। शहाबुद्दीन को सुमो गाड़ी में पटना के लिए रवाना किया गया। इस सुमो में एसटीएफ के जवान शहाबुद्दीन के साथ थे। इस गाड़ी पर काले रंग का शीशा लगा हुआ था। इधर जेल से निकलने के पूर्व ही पूरी रात शहर में हलचल रही। गौरतलब है कि अखबारों में छपी खबर के बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ शहाबुद्दीन की शिफ्टिंग की ही बात थी। शुक्रवार की रात जैसे ही शहाबुद्दीन के समर्थकों को शिफ्टिंग की जानकारी मिली, रात के 12 बजे से उनके समर्थक जेल के गेट के बाहर एकत्रित होने लगे थे। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था, समर्थकों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शहाबुद्दीन के साथ महादेवा ओपी प्रभार शंभुनाथ सिंह, बड़हरिया थाना प्रभारी आशीष कुमार मिश्रा, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय प्रताप सिंह, भगवानपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा और 2 गाड़ियों में बिहार पुलिस के जवानों का काफिला पटना के लिए रवाना हुआ। वहीं जेल गेट पर शहाबुद्दीन के समर्थकों ने नारे भी लगाए। लाइव सिटीज के लिए सिवान से आराध्या पांडे की रिपोर्ट।